Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Today's unit is redox reaction and the topic is oxidation and reduction. Good morning class, very good morning to all of you students. Students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने last class में अपनी जो unit cover की है, third unit classification of element and periodicity properties. आज इस क्लास में मैं आपके स्टार्ट कराने जा रही हूँ रेडॉक्स रिएक्शन. बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटी यूनिट है पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है. इस रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. बच्चों, रेडॉक्स के नेम से ही पता चल रहा है कि रेडॉक्स, ठीक है, जहां रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन दोनों की बात हो रही हो वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, जो हम अपने बहुत सारे आपस में जो आसपास देखते हैं बहुत सारी रिएक्शंस होती है वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. ठीक है, हम अपनी प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां हम पढ़ते थे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है. बट वो पुरानी डेफिनेशन थी. जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. अगर जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है हो भी सकता है वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, तो उसे कैसे पहचानेंगे. बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे भी आप देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का गेन होना भी ऑक्सीडेशन होता है. लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, ठीक है, वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ क्या है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, यहाँ क्या था, गेन हो रहा है. गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है या गेन हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, वो क्या होगा, रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा. बच्चों, आप ये केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ क्या हो रहा है, एक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लॉस किया, ठीक है, तो यहाँ ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या हुआ, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कह सकते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज. टू स्पीशीज के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना या फिर लॉस हो या फिर गेन हो, ठीक है, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन. समझ में आया बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. बच्चों, मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाऊंगी, ठीक है. थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी इस यूनिट के. थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.